सुपर फास्ट बातम्या आपल्या मोबाईल वर पाहण्यासाठी एसपी न्यूज ला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन वर क्लिक करून नोटिफिकेशन मिळवा. पण आमच्याशी मात्र ते बोलत नव्हते. आणि अशातच असेंब्लीची मुदत संपल्यामुळे पहिल्यांदा गव्हर्नरने बोलवलं असेंब्लीची आणि मुदत संपल्यामुळे असं सांगितलं पण आमच्याशी मात्र ते सोबत नसल्यामुळे आणि अशातच पहिल्यांदा गव्हर्नरने बोलवलं असेंब्लीची आणि मुदत संपल्यामुळे असं सांगितलं पण आमच्याशी मात्र ते सोबत नसल्यामुळे आणि अशातच पहिल्यांदा गव्हर्नरने बोलवलं असेंब्लीची आणि मुदत संपल्यामुळे असं सांगितलं राष्ट्रपती राजवट लागल्यानंतर देखील 10-12 दिवस सातत्याने त्या ठिकाणी चर्चा सुरू. महाराष्ट्रामध्ये किती काळ राष्ट्रपती शासन राहील अशी परिस्थिती असताना श्री अजित पवार जे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते होते यांनी आम्हाला सत्ता स्थापनेकरता महाराष्ट्रामध्ये त्या ठिकाणी सहकार्य करायचं ठरवलं अशी परिस्थिती असताना त्यांच्याशी आम्ही चर्चा केली श्री अजित पवार आणि त्या चर्चेच्या अनुरूप जे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे त्यांनी आम्हाला ते पत्र दिलं ज्या आधारावर आम्ही सरकार स्थापन केलं आणि आज ज्यावेळी कोर्टाचा निर्णय आला आणि उद्या बहुमत या ठिकाणी साबित करायचं आहे त्यावेळी श्री अजितदादा पवार यांनी मला भेटून सांगितलं की काही कारणाने मी या अलायन्समध्ये कंटिन्यू होऊ शकत नाही मी या ठिकाणी राजीनामा देतो आहे आणि त्यांनी त्यांचा राजीनामा मला सुपूर्द केला आणि त्यांचा राजीनामा आल्यामुळे
वाटलं की सत्ते करता किती मोठी लाचारी ही शिवसेनेच्या नेत्यांना स्वीकारावी लागते, पण त्यांना ती लाचारी लखलाभ आहे वाटलं. हा जो काही या ठिकाणी भाजप हटावचा अजेंडा घेऊन हे सगळे लोक केवळ सत्तेकरता एकत्रित आले आहेत, नेत्यांना स्वीकारावी लागते. भारतीय जनता पार्टी एक अत्यंत प्रभावी विरोधी पक्षाचं काम करेल. हा जो काही जनतेच्या समस्या सरकारपर्यंत पोहोचवून सोडवण्याचा प्रयत्न करेल. जनतेचा आवाज बनून भारतीय जनतेला न्याय देण्याचं काम आम्ही करू. प्रभावी विरोधी पक्षाचं काम करेल. पण मला निश्चित ही शासनकता आहे इतका विरोधाभास असलेलं सरकार दोन चाक असलेलं सरकार वेगानं धावतं, पण आता हे तीन चाक आहे. तीन चाकाचा ऑटो रिक्षा देखील धावतो. सरकारचा विरोधाभास ऑटो रिक्षा आहे तीन चाक. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये चांगलं काम आम्ही त्या ठिकाणी करून दाखवलं आणि त्याची पावती म्हणूनच लोकांनी आम्हाला पुन्हा निवडून दिलं. शेतीच्या समस्या असतील, कर्जमाफीचा विषय असेल, प्रत्येक वेगवेगळ्या वेळी शेतकऱ्यांना मदत करायचा विषय असेल, अर्बन रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल, आम्हाला पुन्हा निवडून दिलं. मुंबई सारख्या महानगराचा कायापालट असेल, शेतीच्या समस्या गावांपर्यंत कनेक्टिव्हिटी असेल, ही प्रत्येक गोष्ट ज्या प्रकारे गेल्या 5 वर्षांमध्ये आमच्या सरकारच्या काळात आम्ही करू शकलो मला त्याचं मनापासून समाधान आहे. महानगराचा कायापालट असेल हे निश्चित आहे, अनेक गोष्टी राहिल्या आहेत, पण इरिगेशन असेल, रोड असतील, इतकं मोठं काम. त्यामुळे 5 वर्ष अहोरात्र कुठलीही सुट्टी न घेता जनतेकरता काम करण्याची संधी ही मला प्राप्त झाली. महाराष्ट्राच्या जनतेचे मनापासून मी आभार मानतो. माझे नेते देशाचे पंतप्रधान आदरणीय मोदीजी यांचे मी आभार मानतो. त्यांचा अतिशय भक्कम पाठिंबा आमच्या पाठीशी होता. आमचे अध्यक्ष श्री अमितभाई शहा, आमचे कार्याध्यक्ष जगतप्रकाशजी नड्डा यांचे आभार मानतो. आणि विशेषतः माझी जी टीम आहे, माझे मंत्रिमंडळातले सहकारी असतील, पक्षातले सहकारी असतील, या सगळ्यांनी एक टीम म्हणून या ठिकाणी काम केलं आणि म्हणूनच ही प्रगती आम्ही या ठिकाणी साधू शकलो, आणि म्हणून त्यांचे आभार मानतो. आपल्या सगळ्यांचे देखील मी आभार मानतो. आपलं सहकार्य यापुढे अधिक लागणार आहे. ते मिळेलच असा विश्वास मी व्यक्त करतो. सर्व अधिकाऱ्यांचे आभार मानतो. आणि कशाही प्रकारे का असे ना, 5 वर्ष जे आमच्या सोबत राहिले, सरकारमध्ये राहिले, त्यांचेही मी आभार मानतो. कारण ते 5 वर्ष आमच्या सोबत होते, त्यामुळे त्यांचेही मी आभार मानतो. महाराष्ट्र की जनताने हमारी महायुति को संपूर्ण बहुमत दिया
और पिछले 5 वर्षों में जो काम महाराष्ट्र में हमने किया उसको एक जनादेश, एक मैंडेट जनता के वोटों से मिला और संपूर्ण बहुमत के साथ जनता ने हमको चुनकर दिया, इसलिए मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ये जो जनादेश मिला, ये जैसे महायुति को जनादेश था उसमें भी ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी को था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें लड़ी उसमें से तकरीबन 67 से 70% सीटें हम लोगों ने जीती और शिवसेना जितनी सीटें लड़ी उसमें मात्र 44% सीटें वो जीत पाई। तो ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी के हक में जनता ने दिया था। दुर्दैव से नंबर गेम इस प्रकार का है कि जिसमें हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ सकती है, ये देखते हुए शिवसेना ने पहले दिन से ही बार्गेनिंग शुरू की और घोषणा की, हम भले ही महायुति में चुनकर आए हो किंतु हम सभी पार्टियों से बात करेंगे और हमको जहां मुख्यमंत्री मिलेगा वहां पर हम उनके साथ जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमको 2.5 साल मुख्यमंत्री देने का वादा ये किया गया है, जो बिल्कुल गलत बयान था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, हमारे अध्यक्ष अमित भाई शाह जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया, कभी भी शिवसेना को 2.5 साल के मुख्यमंत्री का वादा नहीं किया गया था। जो वादा नहीं किया था उसको छोड़कर जो वादे किए थे उसको पूरा करने के लिए हम कभी भी तैयार थे, लेकिन 2.5 साल के मुख्यमंत्री का जो वादा नहीं किया था उस पर अड़कर हमसे बातचीत करने की जगह शिवसेना ने तुरंत कांग्रेस और एनसीपी से बातचीत शुरू की, तो उनकी मंशा यह स्पष्ट थी कि वे उनके साथ सरकार बनाना पहले दिन से चाहते थे। और उसके बाद जो राज्य में हुआ हम सबने देखा, असेंबली की मियाद जब समाप्त हुई उस समय सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी को बुलाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पास 105 और हमारे जो अपक्ष है इनका समर्थन हासिल है, इससे ज्यादा लोग हमारे पास अभी नहीं है, इसलिए हम सत्ता नहीं बनाना चाहते, ये सैद्धांतिक भूमिका हमने रखी, मैंने इस्तीफा भी दिया। उसके बाद शिवसेना को बुलाया गया, शिवसेना दावा लेकर इस प्रकार से गई मानो 145 लोग उनके पास है, और उस समय सारे मीडिया ने भी दिखाया कि सरकार बन गई, पर वो दावा कितना खोखला था और किस प्रकार से एक मजाक उस दावे का बना हम सबने देखा। न कोई चिट्ठी आई, न कोई सरकार बनी। उसके बाद एनसीपी को बुलाया गया, उन्होंने भी नंबर नहीं इसलिए नकारा, और राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। उसके बाद तीन पार्टियां एक साथ चर्चा करते करते 10 दिन से ज्यादा समय निकल गया, लेकिन ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी अपना तय नहीं कर पाए। इसका कारण यह था कि इनका कॉमन मैक्सिमम प्रोग्राम एक ही था, भारतीय जनता पार्टी को हटाना और सत्ता पाना, और इसलिए ये सारे लोग एकत्रित आकर, जिनकी वैचारिक भूमिका भी एक दूसरे से नहीं मेल खाती, विशेष रूप से शिवसेना और कांग्रेस, शिवसेना अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी कहती है, ये बात अलग है कि उनका हिंदुत्व अभी सोनिया जी के चरणों में नतमस्तक है, क्योंकि कल हमने देखा कि शिवसेना के नेता सोनिया जी की कसम खा रहे थे, लेकिन वो उनको उनका लागू है। और इसलिए ये जब बना नहीं पाए और राष्ट्रपति शासन लागू था, ऐसे समय श्री अजीत दादा पवार इन्होंने हमको समर्थन देने की चर्चा की,
और उन्होंने कहा कि हम समर्थन देकर सरकार बनाना चाहते हैं और उनके समर्थन से हमने महाराष्ट्र में सरकार बनाई। किंतु कल जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से फ्लोर टेस्ट करनी है, ऐसे समय आज श्री अजीत दादा पवार इन्होंने मुझसे मिलकर कहा कि वे इस सरकार में बने नहीं रह सकते और उन्होंने हमको इस्तीफा दिया, तो उनके इस्तीफा देने से अब बहुमत के लिए जितने विधायक चाहिए उतने भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम इस्तीफा देंगे। और उस दृष्टि से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं स्वयं माननीय राज्यपाल जी के पास जाने वाला हूं और इस्तीफा देने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी ने यह पहले से तय किया था कि हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे और इसलिए हमने कभी भी किसी विधायक को तोड़ने की कोशिश नहीं की। हमारे ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप जो लगाते हैं, उन्होंने तो सत्ता के लिए पूरा का पूरा अस्तबल खरीद लिया और सत्ता के पीछे सारी चीजें उन्होंने गौण कर दी। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज ये तीन पार्टियां एकत्रित आकर सरकार बनाने का जो विचार कर रही है, मुझे ऐसा लगता है ये सरकार अपने बोझ तले दबेगी, क्योंकि ये तीन पहियों की ऐसी गाड़ी है जिसका कोई भी पहिया एक दिशा में नहीं चल सकता। तीनों पहिये तीन दिशाओं में चलेंगे और महाराष्ट्र जैसा अगड़ा राज्य, इसकी क्या परिस्थिति होगी इसके बारे में मैं कह नहीं सकता। लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी के रूप में तय किया है, हम विपक्ष में बैठेंगे, एक जागरूक विपक्ष का काम हम करेंगे, जनता का आवाज हम बनेंगे, किसानों की, गरीबों की, सर्वसामान्य लोगों की समस्याएं सरकार तक ले जाएंगे, उसके लिए लड़ेंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे। जो काम हमने महाराष्ट्र में शुरू किया है वो आगे चले, इसके लिए सहकार्य भी हम करेंगे। और मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, पिछले 5 वर्ष महाराष्ट्र की जनता ने जिस प्रकार का प्यार हमको दिया, मैं उस प्यार से अभिभूत हूं, मैं उनका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं। और मैं ये मानता हूं कि हमने जो 5 वर्षों में काम किया, चाहे वो गांवों में हो, चाहे शहरों में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे इरिगेशन का हो, चाहे खेती किसानी का हो, चाहे कनेक्टिविटी का हो, चाहे गरीबी हटाओ का हमारा जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को लागू करना हो, हर काम पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने बहुत ही प्रामाणिकता के साथ, ईमानदारी से और पूरी क्षमता के साथ किया। और इसी के चलते महाराष्ट्र की जनता का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ, हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भी यहां पर उभरे। और मैं महाराष्ट्र की जनता के साथ साथ मैं हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, भारत के प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो पिछले 5 वर्ष इस सरकार के पीछे चट्टान की तरह खड़े रहे। और महाराष्ट्र को अगर आप तुलना करके देखें तो महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे ज्यादा केंद्र सरकार की मदद पिछले 5 वर्षों में महाराष्ट्र को प्राप्त हुई, और इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी, उनका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, वो हमेशा किसी भी समस्या की घड़ी में हमारे साथ खड़े हुए। हमारे कार्याध्यक्ष जेपी नड्डा जी, इनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे अफसरों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, हमारे साथी जो 5 वर्ष हमारे साथ थे उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। विशेष आभार मैं व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं मंत्रिमंडल में जो मेरे सारे सहयोगी रहे, हमारे जो विधायक रहे, हमारे जो पार्टी के नेता रहे, जो कार्यकर्ता रहे, क्योंकि जो भी हम कर पाए ये उनके कारण कर पाए, ये टीम का
श्रेया था, एक टीम करके हम काम कर रहे थे और इसलिए मैं उनका भी सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप सभी का, मीडिया का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। 5 साल आपका भी बहुत सहयोग हमको मिला और मैं महाराष्ट्र की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उनके प्रश्नों को लेकर, उनके सपनों को लेकर लगातार संघर्ष करती रहेगी और मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर महाराष्ट्र की जनता ने दिखाया है वो आगे भी निरंतर बढ़ता रहेगा। कुठली अट नव्हती, असं आहे की राष्ट्रपती राजवट ज्यावेळेस निघते त्यास व्हॅक्युम ठेवता येत नाही। राष्ट्रपती राजवट ज्यावेळेस निघते त्यावेळी गव्हर्नरचे अधिकार संपलेले असतात, त्यामुळे तिथे जर सत्ता नसेल आणि गव्हर्नरलाही अधिकार नसतील तर कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाऊनची परिस्थिती येते आणि म्हणून तात्काळ शपथ घ्यावी लागते, म्हणून ती शपथ घेण्यात आली। देखिए पहली बात यह है, हमने महाराष्ट्र में हमारे साथी के साथ ही सत्ता बनाने का पूरा प्रयास किया, नहीं बनी तो हमने ये बताया हमारे पास नंबर नहीं है, उनको पूरा चांस दिया। तब भी वो जब सत्ता नहीं बना रहे थे तो महाराष्ट्र को एक सरकार की आवश्यकता थी और इसलिए हमने सरकार बनाई। देखिए अभी इसका जवाब अजित पवार दे सकते हैं। देखिए मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, हमने दरवाजे बंद नहीं किए थे, दरवाजे उन्होंने बंद किए थे और अब वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ है, हमारे साथ नहीं है। सवाल अजित पवार का इसलिए भी उठता है, माफ करिए मेरी आवाज थोड़ी बैठ गई है, आप अगर सुन सकते हैं तो, इसलिए भी सवाल उठता है क्योंकि आपने खुद आपके भाषणों में कहा था अजित पवार चक्की पीसिंग की जगह पे आपके साथ वो अचानक दो दिन सुबह दिखाई दिए और इसी को सब एक मिनट, इसीलिए सबको झटका लगा, इसीलिए सवाल ये बार बार उठ रहा है क्योंकि आप खुद ऐसे थे, आप और विनोद तावड़े आप दोनों ने अलग अलग सभागृहों में इरिगेशन घोटाले को इतने बड़े पैमाने पर उठाया था, आपने उस मुद्दे को लेकर ओपन इंक्वायरी ऑर्डर की थी, आपकी सरकार ने 3000 से ज्यादा टेंडर्स की इंक्वायरी की थी और इसी आदमी के साथ आप जब तक सरकार बना रहे हैं, इसीलिए बार बार आपको ये सवाल पूछा जा रहा है कि आपने ऐसा कैसे किया। किसी को जोड़िए मैं बता रहा हूँ, ऐसा है मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताता हूँ, 5 सालों में सारी इंक्वायरी भी हमने की और बची हुई सारी इंक्वायरी कोर्ट मॉनिटर चल रही है और इसलिए कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज का सवाल नहीं है। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस में सबसे ज्यादा वोटों से वो चुनकर आए, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने उनको गुटनेता बनाया, अब जब सत्ता बनेगी तो गुटनेता के साथ ही बनेगी, अगर वो गुटनेता नहीं होते दूसरे पे होते तो देखिए अभी गलती हुई या नहीं हुई है तो बाद में सोचेंगे, अभी तो हम उनके साथ सत्ता नहीं बना सकते। त्यांनी मला हे सांगितलं की माझ्या वैयक्तिक कारणांनी मी राजीनामा देतो। अजित पवारांनी कोणाच्या दबावाखाली राजीनामा दिला का आणि कोणाचा दबाव होता मला नाही माहिती, तुम्ही त्यांना विचारा। लगातार जब आप उससे सबके उसके बाद से आप उससे ये कह रहा है कि
आपने लोकतंत्र की हत्या कर दी और जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये कह रहे थे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं उससे पहले रात में आप लोगों ने सरकार बनाई। अरे भाई 11 दिन थे ना, रोज तो चर्चा करते थे, रोका किसने था? नेता भी नहीं तय कर पाए, प्रोग्राम भी नहीं तय कर पाए, कुछ भी तय नहीं कर पाए, रोका किसने था उनको? किसी ने रोका शंभर टक्के भाजपची नैतिकता आभारी आहे। बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप डिसाइडेड टू गो विथ अजित पवार इन लीडरशिप इंक्लूडिंग यू विच टुक द डिसीजन टू गो विथ अजित पवार? दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन। Only one question, please. No, just one more. Doesn't you aligning with Pawar malign your Mr. Clean image? पहली गोष्ट ऐसी है, पहली बात ऐसी है कि कोई भी निर्णय स्टेट में होता है, कोई सेंटर में होता नहीं है, सेंटर में हम बता दें तो स्टेट का ही निर्णय है और मुझे नहीं लगता कि मेरी इमेज कोई मलाइन वगैरह होगी। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, महाराष्ट्र की जनता जानती है, महाराष्ट्र की जनता ने मुझे स्वीकार। विरोधी पक्ष